रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। अगर मन बेचैन हो, कुछ भी अच्छा ना लगे, सब कुछ पास रहते हुए भी अधूरापन महसूस हो, तो तुम्हें किसी की जरूरत है। ये जो किसी शब्द पर आकर मन भ्रमित हो जाता है ना, मेरे मामले में वो अस्पष्ट है। मुझे किसकी जरूरत है? जी हाँ, मुझे जरूरत है मेरे प्रभु की। वैसे तो मैं कई स्थानों पर गया, मगर मुझे खुशी और मन को शांति प्रभु के शरण में ही जाने पर मिली। जब मुझे अपनी खुशी का रास्ता मिल गया, तब मैंने सोचा क्यों ना एक बार और प्रभु के शरण में चला जाए। तभी एक खबर आती है कि 22 जनवरी 2024 500 वर्षों की प्रतीक्षा में पत्थर हुई आंखों को मोम की तरह पिघलाने वाला दिन आ गया है। जम्बूद्वीप भरत खंडे आर्यावर थे, भारत वर्ष एक नगरी है विख्यात अयोध्या नाम की। यही जन्म भूमि है परम पूज्य श्री राम की। हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की। ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। तभी मेरे आंखों में एक चमक आई और मैंने निर्णय लिया कि इस बार मैं भगवान श्री राम से संबंधित उन सभी स्थानों का भ्रमण करूंगा जहां जहां भगवान राम गए थे। तो स्वागत है आपका इस यात्रा के पहली श्रृंखला में। और हाँ, 5000 सब्सक्राइबर्स पूरे होने के बाद इस श्रृंखला की दूसरी वीडियो आएगी, तो अब सब कुछ आपके हाथ में है। जागो रे, देखो रे, दुनिया ए देखो रे। जागो रे, देखो रे, दुनिया। तो फिलहाल अभी मैं सुबह सुबह पहुंच चुका हूँ सीतामढ़ी, और यहाँ पे है बहुत ठंड यार, बहुत ज़्यादा। स्टेशन कुछ ज़्यादा बड़ा है नहीं,
शहर उतना बड़ा है नहीं, ये डिस्ट्रिक्ट है, हेडक्वार्टर है सीतामढ़ी का, लेकिन फिर भी उतना डेवलप नहीं है। तो फिलहाल मैं हूँ सीतामढ़ी में, जी हाँ वही जगह जहाँ से माँ सीता धरती के भूगर्भ से बाहर आई थी। यहाँ के लोगों से बात करने पर पता चला कि यहाँ पर अलग अलग मान्यताएं हैं। कुछ लोग जानकी स्थान मंदिर को माँ सीता का जन्म स्थान मानते हैं, तो कुछ लोग पुनौरा धाम को। इस यात्रा में आगे बढ़ने से पहले मैं एक कहानी सुनाना चाहता हूँ, ताकि आप असमंजस में ना पड़ो कि भैया आखिर ये हो क्या रहा है। बात त्रेता युग की है, जब वर्तमान का हमारा बिहार और वर्तमान का नेपाल संयुक्त रूप से मिथिला प्रदेश कहलाते थे। एक समय की बात है जब मिथिला प्रदेश अकाल से ग्रसित था। तब के ऋषि मुनियों ने मिथिला के राजा जनक को हल कर्षण यज्ञ करने की सलाह दी। तब मिथिला सम्राट जनक ने अपने राजनगर से लगभग 3 योजन अर्थात 24 मील पश्चिम की ओर लक्ष्मणा नदी, वर्तमान में लखनदेई नदी के तट पर इस यज्ञ को संपन्न कराया और खुद ही खेतों में हल चलाने लगे। हल की सीत एक ठोस वस्तु से जाकर टकराई और जब उस वस्तु को बाहर निकाला गया, तब हल कर्षण यज्ञ के परिणाम स्वरूप माँ सीता धरती के गर्भ से बाहर आई और उसके साथ ही पूरे आकाश में बादलों ने गर्जना कर मूसलाधार वर्षा कराई, जिससे मिथिला का दुष्काल मिट गया। किंतु नवजात शिशु माँ सीता की उस वर्षा से रक्षा के लिए कुटिया भी बनाई गई, जिसे हमारे बिहार में मड़ई या झोपड़ी भी बोलते हैं। तब से उस स्थान का नाम सीता मड़ई पड़ा, बाद में इसे सीता मही और फिर सीता मढ़ी बोला गया। फिर से यहीं से माँ सीता जनकपुर के लिए प्रस्थान कर गई। दिलचस्प बात आपको मैं बताना चाहता हूँ, सीतामढ़ी और जनकपुर के लोगों को एक विशेषाधिकार प्राप्त है जो अन्य लोगों को प्राप्त नहीं है। जी हाँ, अब आप पूछेंगे आखिर वो कौन सा अधिकार है, तो आप खुद ही देख लीजिए। यहाँ के लोग भगवान राम को गाली भी देते हैं? हम लोग गाली साले को इसलिए देते हैं कि उनको ससुरार है, हम लोग उनको साले हैं, तो सार को गाली देने में क्या दुख है, नाता तो वही साले ने पसार कर गया, गाली क्यों नहीं देंगे, उनका ससुरार है इसलिए गाली देते हैं, हम लोग उनको सार के रिश्ता हो तो इसलिए साले को गाली बोलने का मौका हम लोग का मिल रहा है। उनको ये ससुरार में है और मेरी बहन उनको घर में है, ये रिश्ता बना कर गए हैं, इसी रिश्ता से उनका गाली का घर ये मिथिला से निकल गया है। राम जी साले को गाली बोलते हैं, भगवान को गाली नहीं देते हैं, अब रिश्ते को गाली देते हैं। गाली देते हैं साले राम जी को, भगवान को नहीं। फिर भी भगवान सोचेंगे कि गाली तो देवे करता है, लेकिन भगवान को अलग कर दिया। देखा, भगवान राम को सिर्फ यहीं के लोग गाली दे सकते हैं, क्योंकि यहाँ के लोग जीजा और साला का रिश्ता निभाते हैं। फिलहाल अभी हम सीतामढ़ी से आगे बढ़ते हैं, यानी कि जनकपुर की ओर प्रस्थान करते हैं। राम जी से पूछे जनकपुर के नारी, तो फिलहाल अभी हम लोग पहुँच गए हैं नेपाल और इंडो नेपाल बॉर्डर पे, और यहाँ से हमें जाना है जनकपुर, एकदम बॉर्डर पे नेपाल आगे है, मतलब मुश्किल से 1 किलोमीटर होगा, और जनकपुर जाना है। पहले तो इंडियन करेंसी को नेपाली करेंसी में चेंज करना है।
वो इंडिया है और मैं अभी फ़िलहाल नेपाल में खड़ा हूँ। और ये रहा नेपाल, हम लोग नेपाल में ऑफिशियली इंटर कर चुके हैं और बैग की चेकिंग हो चुकी है। और फिलहाल अभी हम जा रहे हैं आगे, बस आगे मिलेगी जनकपुर के लिए, और यहाँ से करीब 20 से 25 किलोमीटर दूर है। ये लिटरली मेरा ये पहला सोलो ट्रिप है, वो भी इंटरनेशनल ट्रिप है, ठीक है, पहला नहीं दूसरा। नेपाल तो बहुत बार आज जा चुका हूँ, ठीक है, और दूसरी बात ये है कि इंटरनेशनल ट्रिप है। एक भैया से मैंने पूछा कि यहाँ से कितना टाइम लगेगा, तो आधा घंटा मुश्किल से लगेगा। और सामने जो गेट है उसके आगे से हमें मिलेगी बस या ऑटो, जो भी मिले, चलना तो है ही। कल हम लोग जलेश्वर में है और ये यहाँ का एक मंदिर है। मैं बैठूंगा आगे। रेले पे रेला है, हर दिन ही मेला है, नीम नमक कच्ची तेरी से उड़ पा रे सी दुनिया ये, देखो रे दुनिया ये, देखो। तो फिलहाल अभी मैं बस स्टैंड हूँ और यहाँ से जा रहा हूँ जानकी मंदिर डायरेक्ट। काफी ठंड है यहाँ पे, बहुत ठंड है। अंदर की बाहर की दुनिया ये देखो रे। मैं आ गया हूँ नेपाल जानकी जनकपुर और सामने जानकी मंदिर, आपको चल के दिखाता हूँ। मैंने ले लिया है श्री राम जानकी विवाह मंडप, तो 10 रुपये नेपाली, और सामने से आप देख सकते हो बहुत ही खूबसूरत, और ये थोड़ा सा ना मुगल स्ट्रक्चर में बना हुआ है, ठीक है। और पीछे आप देख सकते हो मेरे फिलहाल एक और कहानी की ओर हम बढ़ते हैं, क्योंकि जनकपुर के बारे में यह जानना जरूरी है कि आखिर इसका रामायण में जिक्र क्यों हुआ है। इसके लिए हमें अयोध्या के इतिहास में चलना पड़ेगा। माँ सीता के अवतरण के कालखंड में ही अयोध्या में भगवान श्री राम ने अयोध्या नरेश राजा दशरथ के घर में जन्म लिया था। श्री रामचरित मानस के बालखंड में ऐसा उल्लेख है कि राजकुमारों के बड़े होने पर आश्रम की राक्षसों से रक्षा हेतु ऋषि विश्वामित्र राजा दशरथ से राम और लक्ष्मण को मांग कर अपने साथ ले गए। राम ने ताड़का और सुबाहु जैसे राक्षसों को मार डाला और मारीच को बिना फल वाले बाण से मारकर समुद्र के पार भेज दिया। उधर लक्ष्मण ने राक्षसों की सारी सेना का संहार कर डाला। धनुष यज्ञ हेतु राजा जनक के निमंत्रण मिलने पर विश्वामित्र राम और लक्ष्मण के साथ उनकी नगरी मिथिला, जो वर्तमान में हमारा जनकपुर है, वहाँ पे चले गए। मिथिला में राजा जनक की पुत्री सीता, जिन्हें की जानकी के नाम से भी जाना जाता है, उनके स्वयंवर का आयोजन था, जहाँ की जनक प्रतिज्ञा के अनुसार शिव धनुष को तोड़कर राम ने माँ सीता से विवाह किया। सीतामढ़ी से जाने के बाद माँ सीता राजा जनक के इसी महल में अपना बाल्यावस्था और युवावस्था का अधिकतर समय व्यतीत किया था। जनक महल में एक म्यूजियम भी है, जो मिथिला चित्रकला और सीताराम से जुड़े कहानियों को आम जनमानस तक पहुंचाता है। इस स्थान पर आम लोग भी रीति रिवाजों का पालन करते हुए प्रेम के बंधन में बंधते हैं। फिलहाल अभी चलते हैं राम जानकी विवाह मंडप देखने चलते हैं। बहुत खूबसूरत आपके सामने दिखा रहा हूँ मैं। जानकी मंदिर, और यहीं पे
उसके पीछे जो है वो राम सीता विवाह हुआ था मंडप है, और यहीं से सीधे ये रास्ता जो है ये जाती है राम मंदिर, और मैं उधर ही जा रहा हूँ। राम जी को विदाई हुआ था जानकी माता को, अच्छा इसी जगह से विदाई हुआ था। ये है ना, ये राम जी को दे दिया, ये कोहबर घर हो गया, ये अच्छा कोहबर घर है, कोहबर नहीं हो गया। जहाँ पर प्रभु कोहबर में रुके थे। अब आप पूछेंगे कि भैया ये कोहबर क्या होता है, तो कोहबर उस कक्ष को कहते हैं जहाँ विवाह होने के बाद नौ दंपति जाते हैं और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। श्रृंखला को यहीं पर समाप्त करते हैं, लेकिन उससे पहले 5000 सब्सक्राइबर्स और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखने की जिम्मेवारी आपके ऊपर। तो अब मिलते हैं दूसरे श्रृंखला में इस यात्रा को आगे बढ़ाने के लिए। जय श्री राम।